मुख्यमंत्री जी बार बार कह रहे हैं कि भाई लिफाफा दो हमको, मेरे नाम का है, काहे रखे हो, लिफाफा दो, लिफाफा दो। तो आपका सुने हैं कि गवर्नर से ज्यादा पड़ता है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि आप चले जाते। अरे पांडे साहब, आप तो किसी को भी कटघरे में खड़ा करते हैं। कैप्टन वो होता है जो लूजिंग मैच को विनिंग में बदल देता है। तो हाल के दिनों में जो कैबिनेट में आप फैसले देख रहे हैं, जो उम्मीदों का पिटारा खुलता हुआ नजर आ रहा है, वो हमारे नेतृत्व के और इस गठबंधन की सरकार के। मुख्यमंत्री जी जब कह रहे हैं डंके की चोट पर कि राज्य में सबसे बेहतर गवर्नमेंट हम लोग दिए और दे रहे हैं, तो वो बार बार जेएमएम क्यों करी कि चिट्ठी खोल दो? इनको तो और समय मांगना चाहिए कि भाई हम अपने लोगों का भला कर पाए, इसलिए हमको और वक्त दिया जाए। हो सकता है 24 का भी चुनाव का जरूरत ना पड़े, इतना वक्त दिया जाए। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पूरी जेएम इस बात को लेकर व्याकुल है कि जो चिट्ठी चुनाव आयोग से आया था उस पर लिखा हुआ है ओनली फॉर हेमंत सोरेन, फिर भी गवर्नर क्यों दबा के रखे हैं? हालांकि वो लोग बल का प्रयोग नहीं कर रहे थे, इसीलिए हम बलवान मंत्री जी के पास आए हैं। हालांकि ये कांग्रेस कोटे के हैं। बादल जी, आप क्यों नहीं गवर्नर साहब से एक बार बात कर लेते हैं? हमारा डेलीगेशन तो गया था। व्याकुलता अब ज्यादा बढ़ गई है। अब हम लोग अपने काम में लगे हैं। अच्छा। और आप देख रहे हैं कि हम सिर्फ यहाँ नहीं बैठे हैं, सबको जिम्मेदारी दी गई है। मैं उदयपुर से लौटा एनर्जी समिट से, माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी मंत्री विधायक हमारे बिसुत्री सदस्य पंचायतों में जा रहे हैं, गांवों में जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का व्यक्तिगत काम बादल जी का काम नहीं है, इसको एक्सप्लेन कीजिए फिर से। मुख्यमंत्री जी बार बार कह रहे हैं कि भाई लिफाफा दो हमको, मेरे नाम का है, काहे रखे हो, लिफाफा दो, लिफाफा दो। तो आपका सुने हैं कि गवर्नर से ज्यादा पड़ता है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि आप चले जाते। अरे पांडे साहब, आप तो किसी को भी कटघरे में खड़ा करते हैं। गवर्नर से पटना बुरा बात थोड़ी है। गवर्नर एक गरिमामयी पद है, संवैधानिक पद है, और उनका सभी सम्मान करते हैं। और हम लोग अपने सम्मान को दर्शाते हुए उनसे आग्रह किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, शीघ्र गवर्नर साहब को संज्ञान लेना चाहिए, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के सवालों का जवाब मिलना चाहिए। एगो मेरा मतलब थोड़ा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है? जैसे आपका शादी नहीं हो रहा है या शादी आप नहीं कर रहे हैं, ये अलग विषय है, लेकिन सवाल तो दोनों अलग अलग है। मूल एक है कि आपका विवाह नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री जी जब कह रहे हैं डंके की चोट पर कि राज्य में सबसे बेहतर गवर्नमेंट हम लोग दिए और दे रहे हैं, तो वो बार बार जेएमएम क्यों करी कि चिट्ठी खोल दो? इनको तो और समय मांगना चाहिए कि भाई हम अपने लोगों का भला कर पाएं, इसलिए हमको और वक्त दिया जाए। हो सकता है 24 का भी चुनाव का जरूरत ना पड़े, इतना वक्त दिया जाए। लेकिन लीडर वो होता है जो मुश्किल हालातों में परफॉर्म करता है। कैप्टन वो होता है जो लूजिंग मैच को विनिंग में बदल देता है। तो हाल के दिनों में जो कैबिनेट में आप फैसले देख रहे हैं, जो उम्मीदों का पिटारा खुलता हुआ नजर आ रहा है, वो हमारे नेतृत्व के और इस गठबंधन की सरकार के अंदर के इरादे को परिलक्षित करता है। और हम सिर्फ काम करने में और जो मैनिफेस्टो में पॉइंट्स थे उसको डिलीवर करने में आगे बढ़ रहे हैं। कोई यदि संवैधानिक संस्थाओं का कुछ प्रश्न है, निर्देश है, ये है, तो उसका जानने का भी अधिकार हम सभी पार्टियों के है, को है, हमारे नेतृत्व को है। तो उसके तहत माननीय मुख्यमंत्री जी का कैरेक्टर इन दिनों में लगा है कि एक निर्भीक, निडर, जिम्मेदार, निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपने किए गए वादों के साथ गठबंधन दलों के भावनाओं के अनुरूप वो आगे बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं, और हम लोग उनके साथ हैं। लेकिन कृषि विभाग के कुछ कर्मचारी आपसे नाराज है, सहिया दीदी लोग भी नाराज है, तो उसके लिए भी आप कुछ सोच रहे हैं? संवेदनशीलता सभी विभागों में है और जायज मांगों पर सब जगह विचार किया जा रहा है। इतना दिन से आत्मा उन लोग का आत्मा कलप रहा। देखिए, लोकतंत्र में अपनी बातों को रखने का सबका अधिकार है। ये लाठी डंडे वाली सरकार तो है नहीं, संवेदनशीलता से काम करती है, लोगों को बुला के बात करती है। अभी भी आपके आने से पहले आत्मा के कर्मी लोग आए थे, हमसे बातचीत करके गए हैं, और सकारात्मक सोच हम रखते हैं कि उनको हमसे उम्मीद है, इसीलिए तो बार बार आते हैं। तो हम आगे बढ़ रहे हैं। शुक्रिया।
मुख्यमंत्री जी को बता रहे हैं कि निर्भीक नेता हैं, निर्भीक कैप्टन हैं, लिहाजा जो भी संवैधानिक फैसले हैं उनको जानने का अधिकार है, इसलिए वो बार बार इशारा कर रहे हैं या याद दिला रहे हैं या आग्रह कर रहे हैं ताकि उस निर्णय से अवगत करा दिया जाए और इसमें कोई व्याकुलता वाली बात नहीं है। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। The followup.in Like, share and subscribe. www.thefollowup.in